We are Ritesh and Janelia D, and you are on a show जहां आपको सिर्फ अपना ओपिनियन देकर मिल सकते हैं ढेर सारे इनाम. ये है दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन. हमेशा की तरह हमारे साथ है हमारे चार BFFs, याने बहुत फेमस फ्रेंड्स. ऑन द जेंटलमैन्स पैनल वी हैव द पा पैक परफॉर्मर्स करण वाही एंड ऋत्विक धनजानी. लेडीज की तरफ से आज डिबेट करेंगी दो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट एक्टर्स, तेजस्वी प्रकाश एंड निया शर्मा. नो. अरे Alright. What is this? All right. Okay, let's begin then. Audience, हम पूछेंगे आपसे तीन सवाल जिनका आपको देना है परसेंटेज में जवाब, जिन पे देश का ओपिनियन पोल करवाने के बाद हमें मिल चुकी है इंडिया की सोच. आपके स्क्रीन पे आएगा एक परसेंटेज स्लाइडर जिस पर है 0, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक का परसेंटेज. सवाल सुनने के बाद 15 सेकंड में आपको स्लाइडर पे अपना परसेंटेज क्लिक करना है. अगर आपके तीनों परसेंटेज हुए क्लोजेस्ट टू इंडिया की सोच तो आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स. तो बस परसेंटेज बताओ, प्राइजेस ले जाओ. As we start the world's biggest debate, ladies versus gentlemen. तो हमारा पहला सवाल है, कितने परसेंट मर्द अपनी गर्लफ्रेंड्स को जस्ट फ्रेंड्स की तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं? Oh my God. All of them. नहीं. And your 15 seconds starts now. Select the right percentage on the slider. Ritesh, we were just friends. Oh yeah, you were just friends for how long? Till the day of our marriage. You know, हमारी 10 साल डेटिंग के बाद शादी हुई. जब भी कोई पूछे ना, what about you and Janelia? Are you dating each other? No, we are just friends. तो शादी हुई. शादी के बाद प्रेस फोटोग्राफर्स थे. हम लोग ऐसे गए और मैंने कहा, by the way, we are still just friends. Let's see ladies का एवरेज परसेंटेज क्या है. 60%. Gentlemen, what's your answer? A little higher than the ladies. 70%. अच्छा, मैं लेडीज से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने रिलेशनशिप को जस्ट फ्रेंड्स कह के इंट्रोड्यूस किया है? इनिशियल फेज में ऑफ कोर्स बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दो जो लोग इन्वॉल्व है उस रिलेशनशिप में वो खुद ही इतने मतलब श्योर नहीं होते. एंड इट्स अ वेरी लाइक अ क्यूट फेज, लाइक आर यू माय गर्लफ्रेंड, ओह सो यू माय बॉयफ्रेंड, हां ऐसे, लाइक इट्स अ वेरी क्यूट थिंग. और लड़के कभी कभी डोंट वांट एनीथिंग मोर देन कैजुअल रिलेशनशिप, तो वो भी होता है कि वो सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स करके इंट्रोड्यूस करते हैं. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एज अ कपल दे बोथ म्यूचुअली डिसाइडेड कि अभी ऑफिशियल नहीं करते, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड डू इट. निया जी, हमारी इंडस्ट्री में टू कॉल योर गर्लफ्रेंड एज अ जस्ट फ्रेंड्स, आई नो यू वांट टू नॉट कोट एंड अनकोट टू द मीडिया, आई गेट इट, बट इन द अदर पार्ट्स ऑफ आवर नेशन बॉयज कांट जस्ट ब्लेटेंटली गो टू देयर फैमिली एंड टेल देयर फादर, अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड आई. एक ही चमाट उड़ता हुआ आता है, बिकॉज इंडिया में पेरेंट्स ना प्यार से बेटे से कुछ पूछेंगे नहीं. सो आई ऑल्सो फील दैट ये जस्ट फ्रेंड्स वाला टैग इन अदर पार्ट्स मेन और बॉयज डू नॉट से बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फादर, एंड यहाँ पर इन द लार्जर पार्ट्स दे जस्ट डोंट वांट टू एक्नॉलेज फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज दे वांट टू लुक एट अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, दे वांट टू गो and date other girls also, or maybe to protect themselves from the media. Sure. मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में तो शायद बहुत कम लोग होते हैं जो वो जस्ट फ्रेंड्स वाला यूज नहीं करते हैं. अगर दूसरे छोटे शहरों में जाएं तो वहाँ पे तो लड़की को पता नहीं होता, लेकिन वो भाभी होती हैं चार लोगों की. Exactly. भाभी है तेरी. हाँ. दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं भाभी है तेरी, भाभी है तेरी, और शादी किसी और के साथ किसी और से हो गई. I've given a 60%. Why? Because मुझे ऐसा लगता है कि let's say 40% for the metro cities, जहाँ पे it's pretty cool nowadays to just be like, hey, you know, I'm in a relationship, that's my girl, we're dating, yeah. काफी cool है, काफी accepted है. But आज भी छोटे शहरों में, जैसे मैं MP से हूँ, आज भी मुझे लगता है कि मेरे जो परिवार वाले हैं उनको लगता है कि अच्छा ये तुम्हारी शादी शादी करोगे कब?
लड़की और लड़का साथ में तो मतलब शादी. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑल्सो ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज और इतनी छोटे छोटे शहर कि अगर एक लड़का लड़की साथ में तो उसके चाचा मामा फूफा पापा सब नुक्कड़ पे अलग बात करते. तुम्हें पता उसकी लड़की साथ में थी है? तो ऐसा चलता रहता. तो बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑल्सो दे माइट नॉट बी लाइक हम दोस्ती है. और फिर घर पे भी अगर फंक्शनों पे बुलाना है अपनी गर्लफ्रेंड को तो जस्ट फ्रेंड्स करके तो फिर हर फंक्शन पे आ सकती है ना. और ऐसे करके कम से कम 4 जस्ट फ्रेंड्स आ जाती है. चलो आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. बॉय 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 इंडिया की सोच है 71%. इस सवाल का सही जवाब है 70%. अगर आपने अपने स्लाइडर पर चुना है 70% तो आपका जवाब एकदम सही है. इस सवाल के लिए इंडिया की सोच मैच करती है जेंटलमैन की सोच से. वेल डन बॉयज वेल डन. नो यार नो नो यार. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने परसेंट लोगों को लगता है कि औरतें होमोसेक्सुअल्स के बारे में मर्दों से ज्यादा एक्सेप्टिंग हैं? एंड योर 15 सेकंड स्टार्ट नाउ. सिलेक्ट द राइट परसेंटेज ऑन द स्लाइडर. मरवाएगी फिर. हमने दोनों ने साथ में लिखा और बिल्कुल सेम लिखा. आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज स्कोर. 50%. जेंटलमैन वी डेफिनेटली थिंक मोर. ओके 70%. या आई थिंक वीमेन आर मोर एक्सेप्टिंग एंड वेलकमिंग क्योंकि जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है जी. लड़कियों की दोस्ती जल्दी हो जाती है विद दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी. एंड आई थिंक हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे लेस्बियंस की तो हम अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं. लाइक एज अ कंट्री आई डोंट थिंक सो वी रीच देयर दैट वी आर एक्सेप्टिंग दैट टू वुमेन कैन बी इन लव. वी रीच्ड अ पॉइंट वेयर होमोफोबिया का आदमियों की तरफ से अगर मैं बोलूँ कि गे मैन थोड़ा सा हम अभी भी बहुत डाइसी वे में उसे प्रोजेक्ट करते हैं हर जगह स्पेशली टियर 2 टियर 3 या स्मॉल टाउन्स कह लूँ. वहाँ पे अभी तक वो नॉलेज नहीं पहुँची है कि इवेंचुअली इट इज नॉट अ डिजीज. They are also human beings. Correct. They have exactly the same rights. But I think मुझे लगता है लड़कियाँ are more welcoming and more accepting. And why honestly I think is because मैंने अपने पूरे experience में इतने सालों के जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ not even once never heard a woman cringe at the thought of gays or same sex relationships. But a lot of men cringe. So I at any given point of time always seen men to be more homophobic. Yeah. And I've never seen a woman who's homophobic. Whatever Karan is saying here, you know, maybe he's keeping in mind the culture here in Mumbai. But honestly, I was in Delhi. I've been brought up for 20 odd years. I never met or encountered anybody of this community. And aaj bhi if my mom also gets to know, her reaction is strange. It's something that she can't connect with, honestly. And I'm sure a larger part of our country, again, वहाँ पर भी ये accept करने में आज भी बहुत बड़ा हवा है. Actually. वो भी women being friends with the community here, it's more accepting because we are among them. तो मुझे अब बहुत comfortable space है and they are the best people to be around. But if there is a gay guy changing my clothes, you know, because it's a designer stylist, if we can put it like that, I will be okay with him being present there on the spot. But आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम वुमेन अराउंड द नेशन टू हैव द सेम मैन इन देयर रूम एंड थिंक अबाउट चेंजिंग और टॉकिंग अबाउट देयर पीरियड और देयर वेरी पर्सनल थिंग्स लाइक हाउ वी आर पैली विद दीज पीपल हियर. तो ये भी और ये मुंबई और उसका ही खेल है. सो व्हेन आई से वुमेन आई थिंक मेनी वुमेन वी वुड फाइंड नॉट बीइंग ओके विद. बट इफ यू सी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस थिंग आई थिंक नाउ सेम सेक्स मैरिजेस आर अलाउड. करेक्ट. एंड यू नो अगर हम वहां तक पहुंच गए हैं कि वी आर इवन कंसीडरिंग कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी. इट्स अ बिग थिंग. आई थिंक फॉर अस एज अ नेशन इट्स अ बिग विन. राइट. आई पर्सनली फील दैट इट्स अ रियलिटी दैट वी ऑल शुड एक्सेप्ट. राइट. And you know, applaud and embrace. Embrace, absolutely. It's extremely important. Absolutely. और हम लोग यही सोचते हैं कि ये शो से या इस बातचीत से जिनके मन में थोड़ी भी संकोच है शायद वो सोच में थोड़ा परिवर्तन हो तो I think it will be a great step for this show and for all of us, including you, to take that one step and embrace your friend.
Yes. I think 70%, 50% ये है लेडीज और जेंटलमैन की सोच. आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. इंडिया की सोच है 57%. इस सवाल का सही जवाब है 60%. I was bang on. ओहो, तेजस्वी. Well done. अगर आपने अपने स्लाइडर पर 60% प्रेस किया है, then you've got the right answer. इस सवाल के लिए दोनों की सोच करीब है इंडिया की सोच से. Not bad. हमारे दिन का आखिरी सवाल है. कितने परसेंट लड़कों को कॉकरोच, चूहे या लिजर्ड से डर लगता है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब. स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. 60%. लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का जवाब. ये तो भलता ही आएगा. 50%. सिंपल है. यहाँ पे दो लोग खड़े हैं. हाँ. एक को बिल्कुल नहीं लगता, एक की बहुत लगता है. यार मैं एक माँ होता, चूहे कॉकरोच और लिजर्ड मेरे क्या मतलब जानवर पालतू हैं जो इनसे डर नहीं लगेगा मुझे. देखो बचपन से मम्मी ने सिखाया था, काला चूहा तो गंदा होता है, सफेद चूहा अच्छा होता है, उसकी पूजा करते हैं. इसमें भी रेसिज्म आ गया पूरा. इसमें भी यार है. एक शो किया हमने, मैंने निया और ऋत्विक ने, वहाँ पे हमें ना चूहे हाथ से मुंह से हर जगह से उठाने थे. ओह माय गॉड. तो किसी को लगे ना लगे निया को नहीं लगता है. बिल्कुल नहीं. और मुझे बहुत लगता है. मैंने अपनी आंखों से देखा है जी कि इस औरत ने उन चूहों का मूत्र दान निकाला है. Oh my God. Literally. I am not kidding. यहाँ एक बक्सा है. हाँ. इसमें काले सफेद चूहे हैं. आपको इसमें से सिर्फ सफेद चूहे उठाकर यहाँ रखना है. आपके पास जितना समय है. करेक्ट. इस मेरे महाशय ने 20-30 मिनट लिया है. क्या उनके सोने का इंतजार कर रहे थे आप? सो गए. बड़े प्यार से एक एक को बड़े प्यार से उठाया है. हाँ. इस औरत ने. हाँ. ये थे धपाश. और एक का तो उसने पकड़ा. हाँ. तो वो चिल्लाता हुआ गया. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका सुसु निकला था. हमने देखा, हमने अपनी आंखों से देखा. वो इंडिया के चूहे नहीं थे. तो इंडिया के चूहे नहीं थे मतलब सुसु नहीं करके. ये क्या पागल वागल हो क्या तुम? एक शो के लिए मतलब आई एम टेलिंग यू आई हैड हाउल्ड. एक बार मेरे घर में इतना बड़ा कुत्ते के साइज का चूहा मेरे घर में आ गया था. इतना बड़ा कुत्ता कौन सा? पप्पी, पप्पी के साइज का. और मैं पूरी रात रोई हूँ. वो जाए ना मेरे घर से और वो उछल रहा है. इतना बड़ा नाली का काला चूहा. एंड मैं एक लिजर्ड देखती हूँ, मैं इंडिया छोड़ देती हूँ. सो द डे आई गेट मैरिड, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाऊंगी मैं कि अगर तुम लिजर्ड घर से निकाल सकते हो, चूहा घर से निकालते हो, तो हम शादी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा रिश्ता. कुंडली गई भाड़ में. You know, I have to tell you this amazing story. 12-15 साल पहले की बात है. ये साउथ में थी, कोई बहुत बड़ी पिक्चर कर रही थी और मुझसे बात कर रही थी. तो दिस वॉज अबाउट से 10:30-11. हाय व्हाटएवर, अच्छा क्या हुआ क्या नहीं कर रहे. सडनली शी सेड स्टॉप इट. तो मैंने हाँ, प्लीज डोंट कम इनसाइड द रूम, प्लीज प्लीज गो, प्लीज गो. तो मैं हूज दैट, कौन रूम में कौन है यार, प्लीज गो, प्लीज प्लीज. No, don't come close, don't, please stop that, no, listen, I am requesting you, I am praying, please go. तो मैंने बोला हेलो, और ये फोन बाजू में रख दिया. और मैं बोला ऐसे कौन है, अरे टेल मी इफ देयर इज समवन कमिंग एंटरिंग योर रूम जिसे आप नहीं चाहते कि रूम में आए, कौन है ये? तो आई एम जस्ट टॉकिंग टू द लिजर्ड, जस्ट होल्ड ऑन. शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू इंसेक्ट्स कि प्लीज डोंट डू दिस, लिसन, वी आर फ्रेंड्स, प्लीज गेट आउट. मुझे नहीं लगता चूहों से डर, टू बी ऑनेस्ट. आपको नहीं लगता? आई एम नॉट रियली स्केयर्ड, पर मैंने बहुत लड़कों को देखा है कि मतलब वो बड़े बड़े जानवरों से शायद ना डरे, पर ये जो छोटी छोटी ऐसी वाली होती है ना, चूहे, लिजर्ड्स, रैट्स और ये सब ऐसे क्रीपी क्रीपी क्रॉलीज, हाँ, तो उनसे बहुत ज्यादा लड़के डरते हैं. चलो देखते हैं इंडिया क्या सोचती है. What? अरे माँ कसम, ये क्या हुआ? इंडिया की सोच है 38%. इसका सही जवाब है 40%. इफ यू प्रेस्ड 40% ऑन योर स्लाइडर, देन योर आंसर इज करेक्ट.
ईगो में आके दे हैव आंसर्ड आई कांट टेक दिस. हाँ उनको बोल दो होता कुछ है नहीं, वो खुद उनकी फटती है. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस इंडियाज आंसर. इन्होंने ईगो में मना किया. नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों ने जवाब दिया, औरतें भी हैं. औरतों ने भी जवाब दिया जी, बिल्कुल दिया है. ये उन्हीं औरतों ने दिया है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था ना भगाने का, ये उन्होंने ही किया है. इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच करीब है इंडिया की सोच से. इंडिया वालों, अगर आज आपने सारे सवालों के सही परसेंटेज बताए हैं तो अपने लिए खुद ही तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आप जीत चुके हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जिनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी हमारे शो के पेज पर. एंड इफ यू हैवन वन टुडे देन डोंट वरी, कल फिर आओ, परसेंटेज बताओ और प्राइजेस ले जाओ ऑन दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन. फ्लिपकार्ट वीडियो पे आओ, वॉच प्ले विन नाउ.